सो हे गाइस, चॉकलेट खा लो यार। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों के लिए स्पेशली खरीदा हुआ है, खा लो यार। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कैरे मिनाटी ट्रिगर्ड इंसान एंड मॉर्टल के बारे में। आपको पता होगा, रिसेंटली जब प्ले ग्राउंड का अनाउंसमेंट किया गया था, तब सारे यूट्यूबर जैसे कैरे मिनाटी ट्रिगर्ड इंसान मॉर्टल स्काउट जो एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे। तो कैरे मिनाटी को सबसे बढ़िया रोस्ट किसका लगा, इसके बारे में बताए वो सिद्धार्थ कनन के चैनल पर। आप देखिए वो क्या कहे। तीनों का ही बहुत बढ़िया था, ठीक है, लेकिन मेरे को मॉर्टल का लगा अलग से, क्योंकि उसने क्या किया, उसने पहले एक बनाया था, ठीक है ना, फिर उसने देखा सबका, फिर उसने दोबारा बनाया एक और, फिर उसमें उसने बहुत ही बढ़िया बना दिया, वो मेरे को बहुत सही लगा था। तो मॉडल का मेरे को बहुत बढ़िया लगा। माने तीन बार रीटेक्स किए उसने। उसने दो बार रीटेक किए, उसने दोबारा बनाया। और जो कैरे मिनाटी जो है ट्रिगर्ड इंसान के बारे में भी बताए, मतलब वो कैसे टाइप के बंदे हैं, सिद्धार्थ कनन के ही इंटरव्यू में आप देखिए। और ट्रिगर्ड इंसान से मैं रिसेंटली अभी एक शूट पे मिला था, तो वहां पर उससे बात हुई थी। वो बहुत स्वीट लौंडा है वो, ठीक है ना, बहुत ही इनोसेंट और स्वीट लौंडा है वो। माने तुम कह रहे हो अब इनोसेंट है, तुम मेरे इसमें आ जा, मैं तुम्हें इनोसेंट से नॉटी बना दूंगा। नहीं, उसका दिमाग तेज है ना, लेकिन फिर उसका दिमाग बहुत तेज है। और जो ट्रिगर्ड इंसान भी कैरे मिनाटी जो रोस्ट किए थे उनको, उसके ऊपर वो रिएक्ट करे सिद्धार्थ कनन के ही चैनल पर। प्लीज सिद्धार्थ कनन भाई, स्ट्राइक मत दे देना। आप देखिए, कौन तुम्हें रोस्ट कर सकता है, वो कौन सा इंसान है जिससे तुम्हारी वाट लगाई रोस्टिंग करते हुए। कैरी ने काफी अच्छा रोस्ट कर दिया उसने मेरा। तो उसके बाद रो रहे थे, डांस कर रहे थे। नहीं नहीं, उसके बाद मैंने जो वीडियो भेजी थी, मैंने कहा रुक जाओ, अभी इसने इतना अच्छा रोस्ट करके दिया, अभी मैं भी फिर से रिकॉर्ड करता हूँ। So, जितने भी रोस्ट वीडियोस के मैंने बात की, जैसे कैरी मिनाटी ने ट्रिगर्ड इंसान को रोस्ट किया था, मॉर्टल ने कैरी को रोस्ट किया था, वो सब सारी चीजें मैंने अपलोड किया हुआ अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और जो कैरी मिनाटी को जो है यहाँ पर शुभ स्केलेटन ने भी रोस्ट किया। यस, बहुत टाइम से लोग चाहते थे कि शुभ स्केलेटन जो है कैरी मिनाटी को रोस्ट करे, तो फाइनली वो रोस्ट वीडियो जो है आउट हो चुका उसके चैनल पर, आप जाके देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और जो ट्रिगर्ड इंसान का बात हो गया तो बता दो, ट्रिगर्ड इंसान का जो न्यू वीडियो आ रहा है आज, इसके बारे में बताती हूं। वो लिखे विद इंडियाज बिगेस्ट क्रिएटर, एंड भाई मैं भी हूं भाई उस वीडियो में, तो जाके जरूर से देखना, अभी तक तो आ गया होगा वो वीडियो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, अच्छे यूट्यूबर्स का इनकम के बारे में। ठीक है, एक ना ट्विटर पे एक फॉरेन चैनल का एनालिटिक्स दिखा मुझे, ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हो 619K व्यूज है उसमें, उसने कितना रेवेन्यू कमाया आप देख सकते हो, $10,400 जो कि इंडियन रुपीज में होते ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए भाई, 6 लाख व्यूज में 8 लाख रुपए इंडिया के। सच बात बता रहा हूं, मेरे महीने में जो है 9 मिलियन 10 मिलियन व्यूज आते हैं, फिर भी इससे बहुत ज्यादा कम इनकम होता है भाई, एंड ये देख के भाई मेरा दिमाग फट गया। और यहाँ पर इनकम से रिलेटेड बात करने वाला हूं, अभी ईशान शर्मा के बारे में, एक यूट्यूबर है जो फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं उनके चैनल पर, वो एक ट्वीट के जहां पर वो लिखे, आई मेड माय फर्स्ट डॉलर ऑन 18th July 2020 एट एज 18, टुडे आई क्रॉस्ड $10,000 रेवेन्यू इन ए सिंगल डे, दैट्स ए 10,000x इंक्रीज इन 677 डेज, ग्रेटफुल। तो उसका किसने बताया था एंड रेवेन्यू सोर्स क्या, तो वो बताया यूट्यूब, मतलब यूट्यूब से ही ईशान शर्मा ने जो एक दिन में $10,000 कमाया भाई, जो कि ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए होते हैं। तो उसका जो किसी ने रिप्लाई किया था, नॉट एट लीस्ट विद व्यूज, आई थिंक माइट बी विद स्पॉन्सर और अदर थिंग्स। तो उसका ईशान शर्मा रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स। तो यूट्यूब के व्यूज से उतना इनकम नहीं हुआ उसका एक दिन में, बल्कि स्पॉन्सर से हुआ है। भाई रफ्तार ने कहा था ना, क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे, तो वही कुछ लोग जो सोचते होंगे कि क्या यूट्यूबर्स पैसे कमा पा रहे, तो देख लो भाई सच में कमा पा रहे भाई बहुत ज्यादा। रफ्तार का बात हो गया तो बात करते हैं एमवीए बंटाई के बारे में। ठीक है, तो आशीष संसलानी जो अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट किए थे ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, तो उसके नीचे जो एमवीए बंटाई खुद कमेंट किए, वो लिखे, बाबा फिट लग रहे माशाल्लाह। तो उसका जो आशीष संसलानी रिप्लाई किए, बाबा एंगल ऐसा है धोखा मत खाओ। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल का न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू हो चुका है, यस, एंड शायद से वो पुलिस वगैरह या फिर कुछ बने होंगे, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, वो लिखे रेडी फॉर सम एक्शन। तो इस बार शायद से कॉमेडी नहीं बल्कि एक्शन से रिलेटेड कुछ आने वाला उनका, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी हो सकता है, पता नहीं। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब फुकरा इंसान के बारे में। फुकरा इंसान एक स्टोरी पोस्ट किए, प्लानिंग टू क्रिएट समथिंग वेरी डिफरेंट दिस टाइम इन हॉरर जॉनरा। यस, उनका एक वीडियो आ रहा है जो कि डिफरेंट होगा एंड वो जो हॉरर जॉनरा के ऊपर होगा। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर का जो इंस्टाग्राम अकाउंट हो चुका है वेरीफाई। यस, मैंने देखा है जब एक यूट्यूबर का जो इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आप देखिए UK07 राइडर का रिएक्शन। Boys, guess who got verified on Instagram? दिल की धड़कन है ना, फट रही है भाई। Instagram पे कौन वेरीफाई हुआ है, guys? बाबू भैया।
बाबू भैया वेरीफाई। भाई मुझे भी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे यार, वेरीफाई होना यार मतलब। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, मतलब मिथपैट के बारे में। मिथपैट एक स्टोरी पोस्ट किए, नेटफ्लिक्स इंडिया जस्ट डिड द क्रेजिएस्ट वीडियो एवर, वेट फॉर इट। तो उनका जो कुछ क्रेजिएस्ट वीडियो आने वाला है नेटफ्लिक्स इंडिया के चैनल पर शायद से। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, मतलब बालन के बारे में। जैसे कि मैं आपको कुछ टाइम पहले अपने वीडियो में बताया था कि बालन जो है नेपाल के एक बहुत फेमस रैपर थे, एंड वो जो काठमांडू के मेयर बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। यस, वो इलेक्शन जीत चुके हैं एंड वो बन गए मेयर ऑफ काठमांडू। सो यस, हार्टिक कांग्रेचुलेशंस टू हिम। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब योर इंडियन कंज्यूमर या फिर आप कह सकते हो यूआईसी व्लॉग्स के बारे में। वो एक स्टोरी पोस्ट के जहां पर वो लिखे, टुडे योर इंडियन कंज्यूमर आल्सो नोन एज यूआईसी कंप्लीट्स 8 इयर्स। वी स्टार्टेड एज ए वीडियो कंटेंट क्रिएशन कंपनी एंड हैव इवॉल्वड इनटू ए मनी सेविंग, अवेयरनेस स्प्रेडिंग, क्रिटिकल थिंकर जनरेटिंग, राइटियस फैमिली ऑफ अवेयर एंड रेबेलियस इंडियन कंज्यूमर्स। ए बिग थैंक यू टू ऑल आवर सपोर्टर्स, फॉलोअर्स, फैंस एंड फैमिली मेंबर्स। ऑन दिस 8th एनिवर्सरी वी वुड लाइक टू नो दैट देयर इज नो अदर कम्युनिटी लाइक यूआईसी फैमिली हु सपोर्ट्स अनकंडीशनली एंड हेल्प्स ईच अदर सेल्फलेसली। दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट आवर डाई हार्ड यूआईसी फैमिली मेंबर्स। So yes, 8 साल कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात है यार, मेरा तो 3 साल ही कंप्लीट हुआ है। ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू योर इंडियन कंज्यूमर। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।